नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, आरजेडी के दो दिनों की बैठक के बाद लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दांव खेल दिया है। लालू यादव और तेजस्वी यादव की ऐसी रणनीति बिहार में आने वाले वक्त में एनडीए के लिए बड़ा झटका, बड़ा सबब बनने जा रहा है। बिहार में इस बार लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटें जीती। औरंगाबाद, जहानाबाद, पाटलिपुत्र और बक्सर, और इन 4 सीटों पर जीतकर लालू प्रसाद यादव ने एनडीए का सियासी समीकरण बिगाड़ दिया है। बिहार में महागठबंधन के खाते में 9 सीटें गई और 1 निर्दलीय पप्पू यादव जीते। 30 सीटें बिहार में एनडीए ने जीती। लेकिन जातीय समीकरण के लड़ाई की अगर बात करें तो बिहार में लालू प्रसाद यादव ने वो चाल चल दिया है जिस चाल की जद में चपेट में आने से बड़ा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी सहना पड़ेगा आने वाले वक्त में, और मोदी जी को भी। दरअसल आरजेडी की बैठक चल रही थी राबड़ी आवास पर, 2 दिवसीय बैठक था। लालू प्रसाद यादव अपने नेताओं के साथ रणनीति बना रहे थे। चुनाव के जो नतीजे आए उस पर समीक्षा हुई, और समीक्षा के बाद लालू प्रसाद यादव ने जो है वो अब पत्ता खोला है कि किस तरीके से धराशायी चुनावी अखाड़े में आने वाले वक्त में एनडीए को करना है। बिहार की चुनावी लड़ाई हर बार जातीय लड़ाई रही है, और आने वाले साल 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। विधानसभा के चुनाव में लालू प्रसाद यादव का अगला समीकरण वो होगा जो नीतीश कुमार कभी सोच भी नहीं पाए थे। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को जिस वजह से एनडीए में रखा गया, लालू प्रसाद यादव ने उस वजह वाले खेल को भी खराब कर दिया है। 40 लोकसभा सीट पर चुनाव हुए। बिहार में इस बार कुशवाहा जाति के लोगों को सबसे ज्यादा टिकट महागठबंधन से मिला, और अब बारी थी संसदीय दल के नेता को चुनने की। देखिए, लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल MY समीकरण के लिए जानी जाती है, यानी मुस्लिम और यादव। लेकिन तेजस्वी यादव ने जनविश्वास यात्रा के दौरान एक नया समीकरण का नाम दिया, MY के साथ साथ बाप, बी फॉर बहुजन, ए फॉर अग्रा, ए फॉर आधी आबादी, पी फॉर पुअर। लेकिन अब संसदीय दल का नेता तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने तय किया है अभय कुशवाहा का नाम। देखिए, अभय कुशवाहा पहली बार सांसद बने हैं, औरंगाबाद के सांसद हैं, और लोकसभा के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय दल के नेता होंगे। देखिए, कुशवाहा जाति पर बड़ा दांव खेल दिया लालू प्रसाद यादव ने। हाल ही में जेडीयू के एक MP का ये बयान कि मुस्लिम, यादव और कुशवाहा जाति के लोग हमसे कोई काम के लिए नहीं आए, कोई काम नहीं करेंगे, इन लोगों ने वोट नहीं किया, तो लालू प्रसाद यादव ने इस बवाल को अब आगे बढ़ा दिया है, बल दे दिया है। अभय कुशवाहा औरंगाबाद से चुनाव लड़े, जेडीयू के वो 2015 में विधायक रहे, और जैसे ही चुनाव से पहले पार्टी में शामिल हुए, RJD में पार्टी ने टिकट दिया, औरंगाबाद से चुनाव जीत गए, सुशील सिंह को हरा कर जीते, और ये पार्लियामेंट के अंदर संसदीय दल के नेता होंगे। जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव को जो है वो सचेतक बनाया गया है RJD के ओर से लोकसभा के अंदर। देखिए, जहानाबाद से चुनाव जीते सुरेंद्र यादव, पिछली बार बहुत कम मार्जिन से आड़े थे, इस बार तो बड़ी जीत हासिल कर ली। त्रिकोणीय लड़ाई रही, चतुर्थकोणीय लड़ाई रही, यहां जेडीयू के उम्मीदवार को हरा कर जो सुरेंद्र यादव चुनाव जीते। इसके अलावा फयाज अहमद राज्यसभा में RJD संसदीय दल के नेता होंगे, मिसा भारती की जगह जो है वो फयाज अहमद लेंगे राज्यसभा के अंदर, और लोकसभा के अंदर जो है वो अभय कुशवाहा लेंगे। तो कुशवाहा, अब तरीके से कहें तो कुशवाहा जो है वो RJD के संसदीय दल के नेता बन चुके हैं अभय कुशवाहा। लालू का खेल, नीतीश का अब लौकुश समीकरण आगे होगा फेल। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।